नमस्कार, हमने आपको छठ पूजा पर्व का पहला भाग बताया, अब हम आपको अगला यानी कि इसका दूसरा भाग बता रहे हैं। छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह एक अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये उनकी संस्कृति है। छठ पर बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। संध्या अर्थ। छठ पर्व का तीसरा दिन जिसे संध्या अर्थ के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं। छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे दौरा कहते हैं में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, पांच प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो जाए इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्राय महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती हैं। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती हैं। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देकर पांच बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होता है। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनर फॉर्म पर आटे की लुगदी को ठोक कर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंद फूल, फल, सब्जी, मसाले व अनादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, बड़ा, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबुत यानी कि बिना कूटे हुए ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीपक जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही केराब के दाने, हल्के हरे काले मटर के थोड़े छोटे छोटे दाने जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर संध्या अर्ध में सूर्य देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूरज को अर्पण करने के लिए सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वहीं कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख दिया जाता है। ऊषा अर्ध। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उद्यमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्योदय से पूर्व ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा के लिए पहुंच जाते हैं और शाम की ही तरह उनके पूजन परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्ध में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद मूल फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधि विधान संध्या अर्ध की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुड़कर पानी में खड़े हो जाते हैं, वह सूर्य की उपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्ति के उपरांत घाट का पूजन होता है। वहां उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर ही अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापिस आकर गांव के पीपल के पेड़ जिसको ब्रह्म बाबा कहा जाता है वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवास उपरांत आज सुबह ही नमक युक्त भोजन करते हैं। व्रत। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है, कुछ पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को पर वैतिन कहा जाता है। चार दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शैया का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है।
इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार ना हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल बनाने के लिए व्रत रखते हैं। सूर्य पूजा। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता है जिन्हें मूर्त रूप से देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्य की उपासना की परंपरा। भारत में सूर्य उपासना ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्राह्मण वैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। देवता के रूप में सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के विकास के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रारंभ हो गई। लेकिन देवता के रूप में सूर्य की वंदना का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी चर्चा प्रमुखता से हुई है। मानवीय रूप की कल्पना। उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालखंड में सूर्य की मानवीय रूप में कल्पना होने लगी। इसने कालांतर में सूर्य की मूर्ति पूजा का रूप ले लिया। पौराणिक काल आते आते सूर्य पूजा का प्रचलन और अधिक बढ़ गया। अनेक स्थानों पर सूर्य देव के मंदिर भी बनाए गए। आरोग्य देवता के रूप में पौराणिक काल में सूर्य को आरोग्य देवता भी माना जाने लगा था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन इसका प्रभाव विशेष पाया। संभवतः यही छठ पर्व के उद्भव की बेला रही हो। भगवान कृष्ण के पौत्र श्याम को कुष्ठ रोग हो गया। इस रोग से मुक्ति के लिए विशेष सूर्योपासना की गई जिसके लिए शाक्य द्वीप से ब्राह्मणों को बुलाया गया था। पौराणिक और लोक कथाएं। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। रामायण से एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत से एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुंदर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी गई उपासना पत्ती है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ ना होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए ना विशेष धन की आवश्यकता है, ना पुरोहित या गुरु के अभ्यर्थना की जरूरत पड़ती है, तो पास पड़ोस के सहयोग की, जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंध, तालाब या नदी किनारे अर्थदान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार की सहायता की राह नहीं देखता। इस उत्सव में खरना के उत्सव से लेकर अर्थदान तक समाज की अनिवार्य उपस्थिति बनी रहती है। यह सामान्य और गरीब जनता के अपने दैनिक जीवन की मुश्किलों को भुलाकर सेवा भाव और भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन है। छठ गीत। लोक पर्व छठ के विभिन्न अवसरों पर जैसे प्रसाद बनाते समय, खरना के समय अर्थ देने के लिए जाते हुए, अर्धदान के समय और घाट से घर लौटते समय
अनेक सुमधुर और भक्ति भाव से पूर्ण लोक गीत गाए जाते हैं। केलवा जे फरेला घवस से ओहो पर सुगा मेड़ाए, कांच ही बांस के बह गया बहगी लचकत जाए, सेविले चरण तोहार हे छठी मैया महिमा तोहर अपार, उगु ना सुरुज देव भैलो अरग के बेर, निंदिया के मातल सुरुज अखियो ना खोले हे, चार कोना के पोखरवा हम करेली छठ बरतिया से उनखे लागी। इस गीत में एक ऐसे तोते का जिक्र है जो केले के ऐसे ही एक गुच्छे के पास मंडरा रहा है। तोते को डराया जाता है कि अगर तुम इस पर चोंच मारोगे तो तुम्हारी शिकायत भगवान सूर्य से कर दी जाएगी, जो तुम्हें नहीं माफ करेंगे। पर फिर भी तोता केले को झूठा कर देता है और सूर्य के कोप का भागी बनता है। पर उसकी भारिया सुगनी अब क्या करे बेचारी, कैसे सहे इस वियोग को। अब तो सूर्य देव उसकी कोई सहायता भी नहीं कर सकते, उसने आखिर पूजा की पवित्रता जो नष्ट की है। केरवा जे फरेला घवद से ओहो पर सुगा मेड़ाए, ऊजे खबरी जन इबो अतिक से सुगा देले झुटियाए, ऊजे मरबोरे सुगबा धनुक से सुगा गिरे मुरछाए, ऊजे सुगनी जे रोए ले वियोग से आदित होय न सहाय, देव होय न सहाय। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।